आप हैं वो जो फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, अगर आपको ही फोटोग्राफी करनी है, फोटोग्राफर मतलब सबसे पहले सोचे कि आप फोटोग्राफर हैं, आप फोटोग्राफर हैं, बस बन गया फोटोग्राफर। वीडियो देखिए मेरी, इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। तो आज का सीन कुछ इस तरह है कि आज हम जा रहे हैं शूट पर, और काफ़ी लोग कह रहे थे यार हमने कैमरा ले लिया है, और यकीनन आपने कैमरा लिया है तभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर कैमरा ले लिया और आप अच्छी जगह कराची के अंदर पिक्चर्स बनाना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं, तो आपका एक काम है, वही काम हम करने जा रहे हैं। हम आपकी हिडन प्लेस जो कराची की है, जहाँ पर अच्छी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और अपने आपको फोटोग्राफर कह सकते हैं, तो वो जगहें दिखाएंगे आपको। तो आज का व्लॉग बिल्कुल इसी के लिए है, पूरा व्लॉग देखें, इंशाल्लाह आपको कराची के हिडन प्लेस जहाँ पर आप व्लॉगिंग कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो और इंस्टा पे लाइक्स बटोर सकते हो, फॉलोअर्स बटोर सकते हो, तो वही जगह दिखाएंगे आपको। हमारे तो बने रहें और व्लॉग एंड तक देखें। अच्छा, ये प्लेस भी आप देख सकते हो मेरे बैग पे ना, ये शारे फैसल है, ये आप देख रहे होंगे शारे फैसल तो पम्प के पास एक नर्सरी बनी हुई है, इस नर्सरी पे भी आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो व्लॉगिंग तो खैर कर ही सकते हैं, यहाँ पे एक और फ़ायदा आपको होगा, यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये पार्क एक पार्क का लुक दे रही है, और अगर थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ये फॉरेस्ट का लुक भी देगी, तो यहाँ भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है, यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने वही उस पार्क में ली थी जो नर्सरी टाइप थी, और आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये आई हैं, तो इस तरह आप यहाँ भी ले सकते हैं। मेन मकसद ये नहीं है मेरा, एक और जगह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस असल जगह पर जाती है, तो मैंने अभी ब्लॉगिंग के अंदर जाना याद आया तो मैंने बता दिया कि ये जगह भी है, ये जगह ऑल्टरनेट पर रख लें, असल जगह की तरफ लेके जा रहा हूँ, चलें असल जगह पर चलते हैं ताकि ब्लॉग लंबा ना हो जाए, छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगा आज, आप वो मेन चीज़ देखें, मज़ा ना आए तो पैसे वापसी। यकीन आपको जल्दी है, थोड़ा सब्र करें, बाइक तो सर्विस कराने दें, बाइक सर्विस ना कराऊं मैं अपनी, फिर चलते हैं लोकेशन पर। ठीक है, तो बस अब इंतज़ार कर रहा हूँ, ये डीजल लगाएंगे, डीजल के पैसे क्योंकि मैंने दिए हैं बगैर, तो वो डीजल जैसी अभी क्यों गाड़ियाँ धो रहा है वो थोड़ा बिजी है, जैसे वो फ्री होता है वो बाइक में डीजल लगाएगा, और डीजल लगाएगा फिर हम इंशाल्लाह अपनी लोकेशन पर जाएंगे। तो बाइक तकरीबन धुल चुकी है और डीजल भी अब लग चुका है। बाकी एक और ये चीज़ थी कि मैं वहाँ पहुँच गया था और मुझे पता लगा जो लोकेशन है वहाँ पर फिर ना वीडियोग्राफी ना फोटोग्राफी दोनों ही नहीं करने दे रहे, और जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था कि वो जस्ट किडिंग, वो कह रहा था कि भाई अगर कुछ पैसे दोगे जस्ट लाइक टैक्स मुझे दोगे तो मैं बनाने दूँगा वीडियो या पिक्चर। अच्छा, जब तक उसने बात यह की मैं वीडियो बना चुका था, मगर फिर इसने पिक्चर नहीं बनाने दी क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया था कि भाई मैं आपको टैक्स पे नहीं करूँगा, तो ये आई थिंक शायद कंपनी ने मना किया भाई या उसने खुद कहा। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, ये है लोकेशन जहाँ पे लोग आते हैं, और मतलब अगर आपको वीडियोग्राफी करनी हो या फोटोग्राफी करनी हो, ये बैकग्राउंड है आपको, यहाँ पे आप पैसे भी कितने फोटोग्राफी कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं और सीख रहे हैं और अपनी पिक्चर्स खींच रहे हैं तो उसके लिए पैसे नहीं लाओ, तो आप ठीक है, मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ये बैकग्राउंड अच्छी बनाता हूँ मैं, अच्छी तो लगी होगी आपने मुझे तारीफ करना माता इसके लिए, तो ये बेल आइकन जो है नीचे होगा, यहाँ तो नहीं होगा, खैर नीचे बेल आइकन होगा, इसको क्लिक कर दें, सब्सक्राइब बटन है उसको भी क्लिक कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें अगर आपको करनी है, वरना कोई फोर्स नहीं है। और बाकी ऊपर जो कैटलॉग आ रहे होंगे अगर मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे तो उनको भी विजिट कर दें। अल्लाह हाफिज़।